करके नहीं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। हजार हजार रुपए के डनरप के गद्दों में वो लचक नहीं सहा जो भगवान विष्णु को शेष की सैया पे प्राप्त होता है। एक बार विचार कीजिए, भगवान जहाँ रहते हैं उसका चिंतन तो कीजिए। बड़े बड़े मोटे मोटे गद्दों में वो लचक नहीं साहब जो शेष अपनी सैया पे भगवान विष्णु को प्रदान कराते हैं। ऐसा वातानुकूलित जगह पूरे ब्रह्मांड में नहीं होगा। गर्मी के दिनों में समुद्र के लहरों से निकली हुई मंद मंद पवन के झोंकों से भगवान विष्णु को ठंडक प्राप्त होती है। ठंडे के दिनों में शेष नाग के उनके फणों द्वारा निकली हुई चिंगारियों से विष से उत्पन्न अग्नि से भगवान को गर्मी पैदा होती है। शेष के नाग के ऊपर छोटे छोटे उभारों और उनके कंपन में सोने से शरीर की सारी थकावटें भगवान की दूर हो जाती है। और दूसरी बात, लक्ष्मी चरण दबाती है साहब। तो ऐसी स्थिति में इंसान सोए नहीं तो और क्या क्या इसे जी अति सुख सुविधा रही तो इंसान सूती नहीं तो का करना। आजकल वो एक मशीन आता है ना जिसके खड़े होने से फिर वो वाइब्रेट होता है और फिर सारी थकावटें दूर हो जाती है। पूर्ण ये सबसे पहले उन्हीं से शेषनाग से ही इनको प्राप्त हुआ। शेषनाग के शरीर में छोटे छोटे उभार होते हैं ना, और कभी कभी शेषनाग जब श्वास लेते हैं वेद पढ़ते हैं और ये शेष खाली विषों की उल्टियां नहीं करते। वहां वह भगवान के सारे पार्षद ना उनके मुख से वेद की स्तुतियां निकलती है। सहस्र शिरखा मुख सहस्राक्ष सहस्रपात सभुमिगं सर्वतः स्फीत्वा प्रतिष्ठ दशांगुलम। गरुड़ के पंखों से स्तुतियां निकलती है। तुभ्यं नमामि नारायणाय तुभ्यं नमामि हे लक्ष्मीकांतम तुभ्यं नमामि। ये वेद की स्तुतियां हैं साहब। जब गरुड़ अपने पंखों को फैलाते हैं ना तो उनसे आवाजें आती। तुभ्यं नमामि नारायणाय तुभ्यं नमामि। जब शेष अपने फड़ों को फैलाता है और उससे अग्नियां निकलती उसमें वेद की स्तुतियां निकलती। हे लक्ष्मीकांतम तुभ्यं नमामि। तो ऐसे सुख और सुविधाओं के साथ इंसान सोए नहीं तो और क्या करे। तो भगवान सोते रहते और एक तरफ देखो साहब तो एक इनसे खाली आदमी कोई नहीं, और दूसरी तरफ देखो तो पूरे विश्व को ये चला रहे हैं, है कि नहीं जी। अंडज उद्भिज जरायुज ज्ञात अज्ञात सूक्ष्म स्थूल बद्ध आबद्ध सबका पेट भर रहा है। चीटी से लेके हाथी तक के पेट को ये भर रहा है साहब। और दूसरी तरफ देखो तो लक्ष्मी चरण दबा रही है कि नहीं जी। एक तरफ देखो तो इससे खाली आदमी कोई नहीं है और दूसरी तरफ देखो तो इससे व्यस्त आदमी कोई नहीं है। हाथी डूबने वाला था समय पे जाके पहुंचे, द्रौपदी की गांठ खुलने वाली थी समय पे जाके उपस्थित हुए। एक तरफ देखो तो साहब इससे वैरागी इंसानी कोने कोई नहीं है। सब वैभव को छोड़ के ना द्वारिका के बाहर कुटिया में रहते हैं। और दूसरी तरफ देखो तो विवाह करने पे उतर आए ना तो वृद्ध बाल वनिता सबको बुला लेते हैं, सबके साथ विवाह करने के लिए तैयार। ये गजब है साहब। एक तरफ देखो तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्तित्व और दूसरी तरफ देखो तो अर्जुन का सारथी बने हुए हैं। अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। तो ऐसे विष्णु भगवान एक दिन क्षीर सागर में सोए हुए थे।